रहमान इब्राहिम दोस्तान जीवकार, आप देख रहे हैं अंसार कबीला टीवी। अंसार कबीला टीवी आज यहाँ पे लाला मूसा शहर में मौजूद है। हम लाला मूसा में आज मुख्तलिफ शख्सियात से गुफ्तगू भी करेंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे, उनके अहवाल अपने कबीले के लोगों तक, अपने मुल्क के लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। यही हमारा मिशन है, यही हमारा नज़रिया है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं लाला मूसा शहर की ऐसी शख्सियत जिनके तवस्त से इस शहर के कई बच्चे आज का रोशन मुस्तकबिल बन चुके हैं, अपनी अपनी सीटों पे बैठे हुए हैं। इनके दस्ते शफकत पे, इनके इलम की वजह से, इनके सिखलाने की वजह से लाला मूसा के शहर के जो बच्चे हैं आज अपने अपने मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। प्रोफेसर लियाकत अली अंसारी साहब जो हमारे कबीले का रोशन मुस्तकबिल हैं, रोशन सितारा हैं, हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपने कबीले के इस चैनल को अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा वक्त दिया। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। अहवाल जानते हैं, चलते हैं प्रोफेसर लियाकत अली अंसारी साहब की तरफ। जी सर, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे। और आपका ये चैनल देख कर तो मुझे और खुशी हुई, और मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक अपने अंसार कबीला के पूरी जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है, बल्कि बाहर भी जो लोग हैं, उनकी हौसला अफजाई भी हो रही है और उनका एक मुकाम बन रहा है। हमारा ये कबीला हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से है, अय्यूब अंसारी अलैहिस्सलाम से है, और हमारा काम जो है लाला मूसा में वो कपड़े का, लाला मूसा में सारी कपड़े की दुकानें जो थी वो अंसार बरादरी, और सारा यहाँ पे कारोबार मुख्तलिफ शोबों में अंसार बरादरी ही करती थी। अब तो दूसरे लोग आ गए, लेकिन हमारी अंसार बरादरी में तालीम के साथ साथ हम कारोबार में भी सबसे आगे हैं। अब इंशाल्लाह तालीम में भी सबसे आगे निकलेंगे, और हमारे बच्चे जो हैं जो कि इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि मैं अब रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट जमींदार कॉलेज से रिटायर हुआ हूँ, ज़ाहिर है मैं अब 72 में एंटर हो गया हूँ। अभी इनको ये मालूम नहीं है कि ये हमारी अंसार बरादरी कब से यहाँ पर हुई, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे जितने भी मेंबर थे म्यूनसिपल कमेटी के, वो हमारे ही थे। यानी कि यहाँ पर जो जितना भी काम होता था अंसार बरादरी ही वो सबसे आगे थी, कारोबारी सिलसिले में भी और सियासी मसले में भी, और यहाँ पर आप तालीम के मसले में भी सबसे आगे है। हमारे लाला मूसा में यहाँ पर कर्नल हैं, हमारे भाई एक अताउर रहमान साहब वो कर्नल हैं। मेरे वालद साहब भी कपड़े की दुकान थी, और हमारे वालद साहब ने यहाँ पर जब ये अंसार बरादरी बनी तो वो जनरल सेक्रेटरी थे, खलील साहब सदर थे, वो जनरल सेक्रेटरी थे, और ये तकरीबन 84 से यहाँ पर हुआ। यहाँ पर उन्होंने इकट्ठ किया जो कि 17 MNA MPAs जो मुख्तलिफ इलाके से आए, और मॉडल स्कूल में वहाँ पर इजलास हुआ, एक फंक्शन हुआ, तकारीर हुई, जिसमें मुख्तलिफ लोग मुल्तान से लेकर और इधर रावलपिंडी से लेकर सारे लोग यहाँ पर तशरीफ लेकर आए, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ जिसमें मैंने खुद शिरकत की। मेरे वालद साहब कहते थे इसमें जाना चाहिए तुम्हें, और मैं वैसे भी जाता रहता था उनके साथ। और हमारे अंसार बरादरी जो हैं, ये नहीं कि लाला मूसा में, पूरे पाकिस्तान में एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं, हासिल किया हुआ है। और मैं नाम से नहीं, मैं पहचान थी मेरी अंसारी के नाम से पहचान थी, मुझे अब भी मेरे कोलीग अंसारी कहते हैं, मुझे ये नहीं कहा लियाकत मेरा नाम नहीं जानते थे, वो अंसारी करके मुझे पहचानते थे। और यहाँ पर जितने भी म्यूनसिपल कमेटी के मेंबर थे वो भी सारे के सारे उसमें अंसारी बरादरी के। तो हमारी कपड़े की दुकान थी यहाँ पर, बहुत सारी दुकानें हैं, और हमारी कपड़े की दुकान भी, उसमें भी हमारा नाम सरे फहरिस्त है, कारोबार में भी हम सरे फहरिस्त हैं, और तालीम में भी हम सरे फहरिस्त हैं, इंशाल्लाह। जब मैंने MSc की तो मैं वाहिद लाला मूसा में पहला शख्स था
जिसने अपना से किया, लोग मुझे देखने आते थे। तो मैं, मेरी अपॉइंटमेंट लेक्चरर की थी, तो मुझे अबू मेरे कहते थे नहीं तुमने प्रोफेसर ही कहना है, और अल्लाह ताला ने मुझे ये इज्जत बख्शी कि मुझे प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल और गवर्नमेंट जनरल कॉलेज का सबसे पंजाब का बड़ा कॉलेज है उसमें मैंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी और मुख्तलिफ शोबों में लोगों की खिदमत की। तालीम के शोबे में मैंने बहुत खिदमत की, मेरे सारे बच्चे डॉक्टर हैं, और बल्कि डॉक्टर ही नहीं सर्जन हैं, और मेरा एक बेटा जो है वो पीएचडी है, जो कि लाला मूसा में भी वो पहली मिसाल है जो कंप्यूटर साइंस में पीएचडी है, जो उनके उस्ताद थे आज वो उनके नीचे काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और माशाल्लाह लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और वो मेरी बेटी जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट है, जो कि मुख्तलिफ कॉलेज में पढ़ाती रही हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती रही हैं, और सारे खिदमत लोगों की, लोगों की जो गरीब हैं, हम भी खिदमत करते हैं, गरीबों की शादियां भी कराते हैं, वैसे भी हम लोगों की खिदमत करते रहते हैं। यतीम बच्चों को फ्री एजुकेशन, यानी कि उनसे ना कोई लड़की है या लड़का है तो यतीम है तो उसकी फ्री एजुकेशन देते हैं, उसे किताबें देते हैं, उनको यूनिफॉर्म देते हैं। वो बच्चे आज पाकिस्तान का मुस्तकबिल बन के मुख्तलिफ जगह पर काम कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि अंसार बरादरी में मेरा नाम जो है वो अंसार बरादरी में एक अच्छे अल्फाजों से पहचाना जाता है, और मैं लोगों की बड़ी खिदमत करता हूँ। मुझे कहे ना कोई अंसारी है और कहीं से भी आ रहा है तो मैं उसकी कदर करता हूँ, क्योंकि हमने यही बुज़ुर्गों से सीखा है। हमारे प्यारे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अंसारी वो मेहमान नवाज थे, हमारी ये कम्युनिटी जो है, ये हमारा कबीला जो है, ये मेहमान नवाज भी है, नमाजी परहेजगार तजदार भी हैं, और ये लोगों के काम करते हैं, अपने बरादरी के अलावा भी लोगों की खिदमत करते रहते हैं। और इसी के साथ मैं आप कैसर भाई आपका बहुत ममनून हूँ कि आपने इतने चुविंडा से वहाँ से आप आए और यहाँ पर हमारा इंटरव्यू लिया है। मेरा इकदाम जो है वो कर्नल हैं और आजकल वो इस्लामाबाद में ड्यूटी एनडीयू में ड्यूटी दे रहे हैं। इसी तरह से मेरे दूसरे दामाद जो हैं वो कनाडा में होते हैं, वो चीफ इंजीनियर हैं और मार्किन के गैस स्टेशन वगैरह हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें बड़ी इज्जत दी है और ये इज्जत मिलती है तालीम से, तो तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम इंसान बरादरियों से यही मेरी गुजारिश है कि तालीम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, कारोबार भी करें लेकिन तालीम के साथ साथ। तो मेरे भतीजे भांजे वगैरह जो हैं सारे माशाल्लाह डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं, और ज़्यादातर हमारे कारोबार जो है वो कपड़े का। फिर आप यहाँ पे जो लाला मूसा की अंसार कबीला की जो तंजीम चल रही है उसमें एज अ सीनियर नायब सदर आप रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे जो कम्युनिटी है हमारी, जो कबीला है हमारा, आप एक एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, हम समझते हैं कि आपका जो दर्जा है, हमारे मज़हब ने आपको एक रूहानी बाप का दर्जा दिया है। हमेशा ऐसे ही लोग जो हैं अपने माशरे की तरबियत और उसकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। आपने जितने अहवाल अपने बताए उसमें यही नज़र आ रहा है कि आपकी फैमिली, आपके लोग वेल एजुकेटेड हैं, ये अल्लाह पाक का फजल है आप पे। प्रोफेसर लियाकत अली अंसारी, ये चार लफ्ज़ों पे मुश्तमिल ये नाम है, इस नाम की तरफ देखें तो इसके हर लफ्ज़ में, इसके हर अरब में जो है ना वो एक वजन नज़र आता है। ये बड़ा पायदार सा नाम है प्रोफेसर लियाकत अली अंसारी। मैं आपसे ये बात का इस टॉपिक पे आपको लाना चाहता हूँ, अल्लाह पाक और निज़ाम कायनात, मुझे इसके हवाले से आप जो है ना वो थोड़ी सी जो है ना वो डिबेट करें, अल्लाह पाक और निज़ाम कायनात। अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी को जब तालीम दी, क्योंकि उनके उस्ताद भी वही हैं, उनके रहबर भी वही हैं, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने किसी से इल्म नहीं सीखा, उन्होंने सिखाया है। उनके अंदर अल्लाह ताला की जो सारी हदीस कुरान मजीद जो नाजिल हुआ उसकी रोशनी में आप सल्लल्लाहु उनको ये बताया है कि आपने अपनी उम्मत की
खिदमत कैसे करनी है, कैसे उसको अपने हदीस के ऊपर चलाना है। तो ज़ाहिर है कि हमारे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब वो वहाँ पर मक्का में थे तो कुफार ने उनके ऊपर बहुत से मुजालम उठाए, उनको कत्ल करने की नऊज़ बिल्लाह कोशिश की, उनका पीछा किया गया और बहुत से वाक़यात हैं कि जब वो एक घोड़ा लेकर आया उसके पाँव धंस गए और वो गारे सौर में पनाह ली और कुफार जो है वो सारा उनका पीछा करते रहे। जो घोड़ा लेकर काफिर आया था वो मुसलमान हो गया, उसने कहा कि मैं सारा देख आया हूँ, हज़रत पाक जो है वो आगे नहीं। तो मगर ये आपको फिर जब वहाँ से हिजरत की तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पहले वो शख्स थे वहाँ पर जो आपको उन्होंने पनाह दी और आपको वहाँ पर ईमान लाए और आपके साथ उन्होंने तावन किया, हर मसले में आपके साथ चले हर तरीके से उन्होंने। तो अभी भी वो इलाका जो मस्जिद कबा के साथ का इलाका है वो वहाँ पर अंसार बिरादरी अभी भी रहती है। और जब मैं हज पे गया था तो मैंने उन बच्चों को मिला तो उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की और उन्होंने हमें खजूरें खिलाई। हमने उनको रियाल देने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम मेज़बान जो हैं वो इसलिए नहीं आपकी कर रहे, हमने अपनी रवायात जो है वो कायम रखनी है, हमने मेहमान नवाजी की रवायत कहा। लिहाजा उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की, ना पैसे लिए ना, उन्होंने कहा हमारा काम सिर्फ आप लोगों की खिदमत करना है। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पर क़िबला भी मुकर्रर हुआ, वो क़िबला पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ था, फिर ये क़िबला जो है खाना काबा की तरफ हुआ। अभी भी वहाँ पर वो निशानियाँ हैं और वहाँ पर जाकर पता लगता है कि अंसार जो है वो उसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। और अंसारी जो है वो मेहमान नवाज के साथ साथ नमाज के बड़े पाबंद हैं, इस्लाम के बड़े पाबंद हैं और तहज्जुद गुज़ार भी हैं। हम तमाम अंसारियों को हमें ये खुशी होती है कि हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की लड़ी में से हैं। तो ज़ाहिर है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस तरह से मेहमान नवाजी करते थे वो उसकी कहीं मिसाल नहीं है। बिला शुबा ऐसे ही है सर। एक बात आपसे जो है ना वो पूछना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा है अक्सर हमारे कबीले के जो बड़े हैं उनको फिक्र रहती है फलां बच्ची की शादी होनी है, फलां बच्चे का ये काम होना है, फलां ये है, जबकि तारीख हमें बताती है कि हम अंसार हैं, हमारा हाथ ऊपर हो सकता है नीचे नहीं हो सकता। ये हमारे लोग अपनों को भिखारी बनाने पे तुले हुए हैं। क्या आपको भी माशरे में ऐसा नज़र आता है कि यहाँ पर जो रीत है जो आपने वहाँ सऊदीया में देखा कि उन्होंने आपकी खिदमत की, आपने उन्हें पैसे देना चाहे, आपने उनकी खिदमत करना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं, हालांकि वो बच्चे थे, अंसारियों के बच्चे थे, उनको पता है कि हम मेहमान नवाज हैं, हम हमारा हाथ ऊपर हो सकता है नीचे नहीं हो सकता। लेकिन जब हम पाकिस्तान के कबीले की तरफ देखते हैं तो हमें कुछ कमियां नज़र आती हैं। क्या आपने भी इर्द गिर्द अपने ऐसा देखा है? ये देखें हर जगह एक जैसे नहीं, पाँचों उंगलियाँ यकसा नहीं होती, लेकिन इसको यकसा बनाने के लिए इनको मुतहद होना चाहिए। अगर उंगलियाँ खोल दी जाएँ तो कमज़ोर होती हैं, उंगलियाँ इकट्ठी की जाएँ तो मजबूत होती हैं, और उनको अगर एक मुक्ते की शक्ल में बना दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए तो वो मज़ीद ताकतवर हो जाती हैं। तो इसी तरह से हमारा जो ये कबीला है ये अभी इनमें थोड़ी अवेयरनेस, पहले बहुत ज़्यादा अवेयरनेस थी, फिर थोड़ा सा ये आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बुज़ुर्ग यहाँ से जाते रहे, उसमें मेरे वाले साहब भी थे जो कि जनरल सेक्रेटरी थे उस वक्त, और यहाँ पे खाने का इंतजाम किया गया। तो ज़ाहिर है कि हमारे कबीले के जो लोग हैं वो अब बड़ी बड़ी ऊँची जगह पर हैं, इसी तरह से बड़े बड़े कारोबार हैं, अंसारियों का महल्ले हैं, अंसारी जो है ना, मैं जहाँ पर रहता हूँ अब पहले मैं वो लियाकत अंसारी के रोड से वो मुंसलिक था, फिर मैंने कहा नहीं ये नाम अच्छा नहीं लगेगा, वो फिर उन्होंने सर सैद रोड हमारा रखा। मैं मुझे कहते हैं आप लाला मुसा के सर सैद हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ आपकी ये बड़ी नवाजिश है, बड़ी हौसला अफजाई है
तो मुझे सर सैयद के नाम से ना वो कहते हैं कि आप ज़रा मुझे सर सैयद, तो ज़ाहिर है कि उन लोगों ने मुझे हौसला दिया है, तो मैं अभी तक भी एजुकेशन से मुंसलिक हूँ। 11 साल मुझे रिटायर के हो गए, रिटायरमेंट के हो गए हैं, 60 साल की एज में मैं रिटायर हुआ हूँ, अब 72 में मेरी एज है, 12 साल हो गए हैं, अभी भी मेरा दिल नहीं करता कि मैं इनसे अलहदा हूँ। तो ज़ाहिर है कि तालीम एक ऐसी चीज़ है, इसमें इंसान जो है बूढ़ा नहीं होता, एक टीचर जो है कभी बूढ़ा नहीं होता, अगर वो तालीम सही तरीके से दे रहा हो तो वो कभी इंशाल्लाह बूढ़ा नहीं होता। और क्लासेस में आप लेक्चर देते रहे हैं सर, बेशुमार क्लासें आपने अटेंड की होंगी, एक लेक्चर मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरे माइक पे, मैं अपने लोगों पे जो है ना, अपनी कौम के नौजवानों, अपने वतन अजीज़ के नौजवानों के लिए इस माइक पे भी आप एक लेक्चर दीजिए। देखिए जी, मेरी पहले एयरफोर्स में एज ए पायलट ऑफिसर सिलेक्शन हुई, फिर मेरी नेवी में एज ए लेफ्टिनेंट सिलेक्शन हुई, लेकिन मेरे और मेरे वालिद साहब का एक ही ख्वाहिश थी कि मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर, बताए हुए अमल पर मैं अपना अपने आप को खा लूँ। तो उन्होंने फरमाया, हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि तालीम देना और तालीम हासिल करना ये सबसे अवलीन पेशा है। तो ज़ाहिर है कि हमने तालीम दी है और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा स्कूल, हमारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, और तहसील में हर साल, इस साल भी हमारे 1062 नंबर हैं 1100 में से, इसी तरह से कॉलेज में जो है 1025 नंबर हैं 1100 में से, और हमारी तहसील में पूरी में पहली पोजीशन आती है। इसमें तालीम देने का भी एक फ़न है, बच्चे को कायल करना है, बच्चे को साथ उसको ये बताना है, उसको यही मैं कहता हूँ भाई, जब लेक्चर हो रहा हो ना तो टीचर की आंखों में आंखें डाल कर सुने, ताकि एक मुताबकत हो जाए, हम आहंगी हो जाए, हम जैसे फिज़िक्स में रेजोनेंस करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा फिज़िक्स है, तो उसी के हवाले से तो वो ट्यूनिंग हो जाती है। ट्यूनिंग का मतलब है जब एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे से मिल जाती है तो दोस्ती हो जाती है, यही दोस्ती जो है जो इंसान को सबक देती है कि रिसर्च में इसकी, क्योंकि मैं यही कहता हूँ कि भाई साइंस जो है ना बेअदब है और इंग्लिश उर्दू ये अदब है, तो ये ज़ाहिर है कि अदब और बेअदबी जो है, इसमें बेअदबी इसलिए कहता हूँ कि साइंस में क्यों आता है और क्यों से रिसर्च बनती है, लेकिन अदब में हम कहते हैं भाई इस्लाम में ये है, उसमें क्यों कहे तो वो कुफर का उस पर धब्बा लग जाता है। तो क्यों जो है हमारे इस्लाम में नहीं है, साइंस में क्यों? तो ज़ाहिर है कि हम जो बच्चों को सिखाते हैं वो ये, तो पहला मेरा लेक्चर ही ये था कि जब मैं 72 में मैंने तो उस वक्त ज्वाइन किया, 72 में मेरी एमएससी हुई है, 72 में मैंने ज्वाइन किया, तो बच्चों से मेरी इंट्रोडक्शन हुआ, तो उन्होंने बच्चों ने मुख्तलिफ क्वेश्चन किए, तो मैंने उनसे यही कहा भाई बेटा जो भी क्वेश्चन है पढ़ने के बाद करना चाहिए, और जो चीज़ समझ में ना आए उसको डिटेल से समझें, नहीं समझ आए एक नहीं 100 बार समझें। तो इसमें रेजोनेंस जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है, जैसे आप कोई प्रोग्राम देख रहे हो तो उसको आंखें झपकते नहीं, आप देखते रहते हैं, बाकायदगी के साथ देखते रहते हैं, आपको अगले सीन का भी पता लग जाता है कि ये ड्रामा इसमें आखिर में क्या होगा। इसी तरह से तालीम के मसले में भी, जब तालीम हासिल करते हैं तो इसमें भी टीचर के साथ जब तक हम आंगी ना हो, इसे हम इंग्लिश इसमें फिज़िक्स में रेजोनेंस कहते हैं, तो रेजोनेंस ये टेलीविजन ये भी रेजोनेंस है, ये मोबाइल रेजोनेंस है, इसमें सारी बातें जो हैं ये हमारे प्यारे नबी के बताए हुए कुरान में जो है उसके ऊपर ये रिसर्च जो है अंग्रेज़ों ने रिसर्च किए, हम जो हैं वो अभी उसी पे हैं कि हमें ये कुरान हदीस से हमने इस्तफादा नहीं हासिल किया, कुरान को हमने सही तरीके से समझा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, रट्टा लगा कर हमने सुना दिया है, सुन लिया है, लेकिन इसके मफहूम को अंग्रेज़ों ने समझ कर उसके ऊपर रिसर्च की और वो आज तरक्की की राह में चल पड़ा है और हम पीछे रह गए। यही वजह कि अभी पाकिस्तान
इतनी तरक्की नहीं की जितने बाहर के मुल्कों ने तरक्की की। ये मोबाइल बाहर से आता है, जो अच्छे मोबाइल हैं वो बाहर के, हमारा जो पाकिस्तान है अब इसमें बहुत सारी, तो वो जो शुरू में, हालांकि यूनान में ये तालीम का सिलसिला शुरू हुआ या यूनान में तालीम होती थी, तो वहाँ पे इतना इल्म था कि वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक गडरिए के पास आए, उसने गडरिए से पूछा, उनसे सवाल किया, अल्लाह ने भेजा उसको कि जाके देख के आओ तालीम कहाँ ज़्यादा है, उन्होंने कहा यूनान में बहुत ज़्यादा तालीम है। तो जिब्राइल ने उसे टेस्ट किया कि बता सकते हो इस वक्त हज़रत जिब्राइल किधर है, तो उस गडरिए के पास एक छड़ी थी, उसने पहले आसमान पे घुमाई फिर ज़मीन पे घुमाई, फिर वो कहने लगा ना आसमान पे है, अभी तो मैं देख रहा था जिब्राइल जो है आसमान पे थे, उसके बाद देखा ज़मीन पे आए हैं, लेकिन अब ज़मीन पे भी कहीं नहीं है। तो उसने ना गडरिए ने फिर उस बंदे के सामने, क्योंकि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो इंसान के रूप में उसके साथ सामने हाज़िर हुए, तो उसने अपने दोनों के गिर्द छड़ी घुमाई, तो उसने कहा या आप हैं हज़रत जिब्राइल या मैं, तो कहते मैं तो हो नहीं सकता, तो लिहाजा आप हैं, और वो उन्होंने सुना वो गायब हो गए वहाँ से। कहने का मतलब ये है, वो किसी का जानवर गुम हो जाता उससे हालात पूछते, इसी तरह से एक ऊँट जो है ना किसी का गुम हो गया, उसने कहा आपके ऊँट की जो है वो क्या कंडीशन, कि मेरे ऊँट जो है उसकी एक टांग जो है ना वो ज़ख्मी है, तो वो लंगड़ा के चलता है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऊँटों की निशानी लगी हुई थी, तो वो क्योंकि लंगड़ा ऊँट जो था एक कदम उसका ज़्यादा था एक छोटा था, उसने कहा ये कदम है उसके, आप इसका उसके ऊपर चले जाएँ इंशाल्लाह। तो जितना भी साइंस का जो इल्म था वो यूनान में था, और वहाँ से बुगली सीना अब हैशम वगैरह ये सारे वहाँ से, अंग्रेज़ जो आते थे वो इनसे इल्म हासिल करते और रिसर्च जो है वो अपने मुल्क में करते। तो ये हमारा जो सिलसिला है रिसर्च का वो बहुत कम हो गया, अब इंशाल्लाह फिर हमारे मुसलमान जो हैं इस तरफ इंशाल्लाह बेहतरी आएगी सर, क्यों नहीं आएगी। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को जो है ना वो रमज़ान मुबारक में जो आज़ादी दी है इसके लिए बहुत राज हैं पाकिस्तान में, बहुत जो है ना वो दुआएं भी मिली हैं, खुशबुएं भी महसूस की हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ने इस खत्ते की, तो ये बहुत बड़े राज छुपे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान कामयाब होगा और इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त पाकिस्तान का है, ये इस्लाम का किला है। सर बातें बहुत हो चुकी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, अपने नाज़रीन के गोश गुजार बहुत सी बातें, बहुत से तजर्बात, बहुत सा इलम आपके तवस्त से जो है ना वो उन्हें डिलीवर कर पाया है। ए क्यू टी वी बस यही आपसे चाहता है कि अब आपके सामने आपके कबीले का लोग है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी फीलिंग्स क्या हैं? देखें जी, जिस तरह से मैंने अपने बच्चे कामयाब किए हैं, दो बेटियाँ मेरी डॉक्टर हैं, एक कैनेडा होती है, एक इस्लामाबाद में है, तीसरे नंबर पे बेटा है उसने पीएचडी कंप्यूटर साइंस में की है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है आईटी का, चौथी बेटी जो है वो भी उसने अभी इस साल उसने MBBS किया है और एक माह के बाद वो भी उसकी भी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, हाउस जॉब खत्म हो जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि हमारे कबीले के लोग भी इसी तरह से अच्छी अच्छी पोस्टों पर हों। मेरे इकदाम जो हैं वो कर्नल हैं, ये इकदाम जो है चीफ इंजीनियर है, और मेरा बेटा जो है वो IT का हेड है, तो उसकी मिसेज जो है वो प्रोफेसर हैं नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज में, दोनों गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्रेसिडेंट उनको UOG गुजरात में मिली हुई है। तो मैं चाहता हूँ अपने कबीले के लोगों को ये भी तालीम हासिल करें और अपना मुकाम लोगों तक जब तालीम के सिलसिले में जाएंगे तो उनका नाम भी सरे फहरिस्त होगा, हर शोबे में सरे फहरिस्त होगा। तो इसी तरह से हमारे लोग जो हैं आर्मी में भी बहुत ज़्यादा हैं और जो कि अभी इस तरफ कायल नहीं हुए, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि जहाँ ये सारी कबीले का नाम लिया जाए वो उसको खुद आकर मिले और उनसे रابطہ रखें, रابطے में रहें और एक दूसरे की मदद करें। तो हमारा जो अंसारी कबीला है ये दूसरों की मदद करने के लिए
खुश हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ, हम तो हर साल दो तीन शादियाँ करते थे, लेकिन अब थोड़े से वसाइल कम होने की वजह से ये सिलसिला कम हो गया, लेकिन अब भी हम जितनी होती है इनकी खिदमत करते हैं। सबसे ज़्यादा मेरा यही है कि अंसार बरादरी को, अंसार कबीले को बच्चों को पढ़ना चाहिए और अपना मुकाम अच्छे से अच्छा हासिल करें, चाहे वो आर्मी में है, चाहे एयरफोर्स में है, नेवी में है, उसमें अपना मुकाम हासिल करें, तालीम में मुकाम हासिल करें, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर। तो हमारे मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं, 5 स्कूल हैं, 2 पंच हैं, जिसमें हमारे रिज़ल्ट अल्लाह का फजल है, तहसील में पूरी तहसील में पहले नंबर पर है। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं तालीम में सबसे आगे हैं। तालीम जो है वो एक रोशनी है और जहलीत जो है वो एक अंधेरा है। तो तालीम जब आओगी तो आपके सामने रोशनी ही रोशनी होगी, पीछे जहलीत का जो है वो साया पीछे रह जाएगा। शुभ आपने बिजा फरमाया, तालीम ये जो है ना वो हमारे लिए रोशनी रोशनी है, और इंसान को चाहिए भी कि वो रोशनी की तरफ चाहिए, अंधेरों में क्या रखा है। प्रोफेसर लियाकत अली अंसारी साहब, इन्होंने हमें वक्त दिया एक टीवी को, बहुत कुछ सीखने को बहुत कुछ मिला, आप लोगों के गोश गुजार किया। अहबाब मुकर्रम, इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चलते हैं, आपको मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए अंदाज के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।